हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं डली थी, ठीक है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए अगली नेक्स्ट जो है ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे। इसमें ग्रह पढ़ेंगे, तारा पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, सौर मंडल को पढ़ेंगे। इन सभी को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग बोलते हैं कि सर लिंक भेज दो, अभी भी कंटिन्यू बोल रहे हैं सर लिंक भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जितना भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये यूपीएससी के हिसाब से या बड़े एग्ज़ाम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत बहुत उपयोगी रहता है, ठीक है। चाहे वो बीओ हो, यूपीएसआई हो, ठीक है, तुम्हारा एनटीपीसी का होने जा रहा है, जितने भी वन डे एग्ज़ाम होंगे लगभग सभी के लिए ये उपयोगी होता है, ठीक है। सी टैट, यू पी टैट, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं वन डे एग्ज़ाम की, ठीक है, उनके लिए सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो आपको कुछ दिनों बाद ये फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना कम होती चली जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। ग्राफ वगैरह बना के मैंने इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रह से। ग्रह क्या है? ग्रह एक सॉलिड चीज है। तारे और ग्रह में अंतर होता है। ग्रह क्या होता है? घनत्व होता है ग्रह में, जबकि तारों में घनत्व नहीं होता है। तो इसी तरीके से ग्रह में घनत्व होता है, तारों में घनत्व नहीं होता है। तो ये अंतर आया है ना, तो इसी अंतर को लेते हुए कि उपग्रह क्या है, ग्रह क्या है, तारे क्या है, इन सबको लेते हुए एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रह अपना स्वयं का प्रकाश रखते हैं? तो नहीं, ग्रह अपने स्वयं का प्रकाश नहीं रखते। तो इनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। सूर्य से ग्रह किससे प्राप्त करते हैं? सबसे पहले तो प्रकाश नहीं होता है प्रकाश। फिर इनको मिलता कहां से? इनको प्रकाश मिलता है सूर्य से, ठीक है। ये कहां से प्राप्त करते हैं प्रकाश? ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का आकार, ग्रहों का आकार तारों की अपेक्षा कम होता है। ग्रहों का आकार तारों की अपेक्षा कम होता है, बिल्कुल सही। यहाँ तक कि सौर मंडल में जो सूर्य है, सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है, तारा है। वो भी एक छोटा तारा है, और जो हमें बहुत छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं वो आकार में सूर्य से कई गुना बड़े हैं, ठीक है। तो ग्रह तो छोड़ ही दो, ग्रह तो बहुत छोटी सी चीज़ रहती है तारों का आगे, ठीक है। तो ग्रहों का आकार तारों की अपेक्षा कम होता है। अगला है, ग्रहों का घनत्व अधिक होता है। जी हाँ, ग्रहों का घनत्व अधिक होता है। किसकी अपेक्षा अधिक होता है? तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ग्रहों का घनत्व अधिक होता है, कुछ का कम भी होता है, लेकिन तारों की अपेक्षा उनका फिर भी रहता है। देखो, ग्रहों का घनत्व अधिक होता है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। किसके अकॉर्डिंग? इन ग्रहों के अकॉर्डिंग उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। आगे देखो, ये ठोस द्रव अवस्था में मिलते हैं। किसी द्रव की अवस्था क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? मोस्टली हम तीन जानते हैं, ठीक है, एक ठोस, द्रव्य, तीसरी गैस, और चौथी अवस्था कौन सी है? अब चार अवस्थाएं होती हैं गैस की, ठीक है। किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? चार अवस्थाएं होती हैं। ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, और प्लाज्मा अवस्था भी ठोस की सॉरी किसी पदार्थ की अवस्था होती है। कौन सी होती है चौथी अवस्था किसी पदार्थ की? प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। तो ग्रह कैसी कैसी अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में और द्रव्य अवस्था में। और तारे कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? तारे पाए जाते हैं आपकी गैसीय अवस्था में, ठीक है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमता है। कौन घूमता है? ग्रह, ठीक है। मान के चलो जैसे पृथ्वी, पृथ्वी क्या चल रही है, किसकी परिक्रमा कर रही है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे, ग्रह की तारा समूह में स्थिति बदलती रहती है। एक तारा समूह में स्थिर नहीं होती। मैं तारा समूह पढ़ाए थे ना, ठीक है, तो उसी की बात हो रही है कि ग्रह की एक तारा समूह में स्थिति नहीं होती,
ठीक है, क्यों? क्योंकि तारा समूह सूर्य के चारों तरफ है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये परिक्रमा करता है, एक तारा समूह से निकल कर दूसरे तारा समूह में, दूसरे तारा समूह से निकल कर तीसरे तारा समूह में, ये अपनी स्थिति को परिवर्तित करता रहता है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपकी, छोटी सी बात हो गई ग्रह के बारे में कि भाई ग्रह ये होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तारे, ये कैसे होते हैं। तारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जी हाँ, तारे गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है, तारों का अपना प्रकाश होता है, कैसा होता है, अपना प्रकाश। जबकि ग्रह दूसरे के प्रकाश, दूसरे की ऊष्मा पर निर्भर रहते हैं। अगर दूसरा कोई प्रकाश ना दे, उन्हें हीट ना दे, मतलब कि ऊष्मा ना दे, तो क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएंगे, ठीक है। आगे, तारों से ऊष्मा व प्रकाश का विकिरण होता है, ऊष्मा व प्रकाश का विकिरण होता है। इनका आकार काफी बड़ा होता है, इनका आकार काफी बड़ा होता है, किससे, ग्रह से काफी बड़ा होता है, ठीक, बहुत विशाल होते हैं। तारे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनके उपग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तारे जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये उपग्रह क्या है भाई, उपग्रह की बात आएगी तो उपग्रह जानते हैं। वे आकाशीय पिंड जो अपने मात ग्रह की परिक्रमा करते हैं, मतलब कि जैसे पृथ्वी हो गई, ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा करता है, तो वो क्या हुआ, ग्रह उपग्रह हुआ, किसका, पृथ्वी का। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की तो परिक्रमा कर रहा है, साथ में क्या करता है, देखो ये क्या हो गई, ये मानो ये हो गई पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया छोटा सा चंद्रमा, ये किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, और ये हो गया सूर्य, ये इसकी परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, ठीक है, और पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो सीधा सा लॉजिक है कि चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। जब चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो साथ ही, सॉरी, जब चंद्रमा पृथ्वी के साथ सूर्य की भी परिक्रमा कर रहा है, तो ऐसी पिंडों को क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पिंडों को जो अपने ग्रह के साथ साथ, अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता, मतलब इनके पास भी जो उपग्रह होते हैं अपना प्रकाश नहीं होता। बुध, फैक्चुअल चीज है ये, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल की अगर बात करी जाए तो बुध और शुक्र ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, बृहस्पति के पास है, 67 उपग्रह हैं, ठीक है। बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। लेकिन बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह है, ठीक है, और पृथ्वी के पास, अपनी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, और उसका नाम क्या है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। तो ये आपका अंतर हो गया, ग्रह क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया सारा आपका सब कुछ। अब बात करते हैं सौरमंडल, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल का अगर गठन की बात करी जाए कि सौरमंडल का गठन होता कैसे कैसे है, किस किस से मिलकर सौरमंडल बना है, ठीक है। तो सौरमंडल ग्रह, सूर्य, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूल कण, गैस इत्यादि बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है। दोबारा देखते हैं, ग्रह, सूर्य, धूमकेतु, उल्कापिंड, धूल कण इत्यादि, जैसे कि गैस वगैरह बहुत सारी चीजें हो गई, उनके समूहों को, सब जब मिलकर एक समूह बनाते हैं, समूहों को क्या बोला जाता है, सौरमंडल बोला जाता है, ठीक है, सौरमंडल बोला जाता है। अब सौरमंडल का जो जनक बोला जाता है, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आठों के आठों ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब जरा इनकी स्थिति को और देखा जाए कि इनकी स्थिति सूर्य से दूरी के क्रम में कैसी है। इनकी स्थिति जितने भी के आठों ग्रह हैं, इनकी स्थिति सूर्य के क्रम में कैसी है, ठीक है। उसके बाद फिर इनको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग मैंने ग्राफ बनाए हुए हैं, कैसे कैसे क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सूर्य से, अगर सूर्य से दूरी के क्रम में कि सूर्य से दूर होते हुए ग्रह कैसे कैसे, कौन पहले आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, अगर इस क्रम में देखा जाए, या ये कहें कि सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए, तो किसकी स्थिति पहले और किसकी स्थिति बाद में आती है, इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है, ठीक है। सूर्य से सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? शुक्र आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? पृथ्वी आता है। चौथे नंबर पर मंगल आता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह पट्टी, लेकिन उसको बाद का टॉपिक है। मंगल ग्रह के बाद क्या आता है? मंगल ग्रह के बाद सूर्य की दूरी के परिप्रेक्ष्य में आता है बृहस्पति, अगला आता है शनि, अगला आता है यूरेनस, सबसे अंत में आता है नेपच्यून, ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक ग्रह की, ठीक है। ये चार ग्रह, ठीक है, इनको भी कैटेगरी में बांटा गया है। देखो सूर्य के जो सबसे पास चार ग्रह हैं, सूर्य के जो पास सबसे चार ग्रह हैं, उनको क्या बोला गया है? भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह, भीतरी ग्रह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन भी दे दिया जाता है जीएस के उसमें, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह हैं। उनको उल्टे क्रम में भी पूछ सकता है कि भीतरी ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर, ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, ठीक है। तो कैसे भी पूछ सकता है, आपको ग्राफ बना के अच्छे से नोट्स बनाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे भीतरी ग्रह के साथ साथ इनको क्या बोला जाता है? पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। पार्थिव ग्रह भी बोला है। पार्थिव ग्रह क्यों बोला जाता है? पार्थिव ग्रह इसलिए बोला जाता है, इसको घनत्व इसका क्या है? अधिक है। इनका घनत्व क्या है? अधिक है, ठीक है। इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। किस आधार पे? घनत्व के आधार पे। जब ये चार ग्रह हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद एक छोटी सी आपको आकृति दिखती है क्षुद्र ग्रहों की, जैसे कि पत्थर जो है सूर्य का भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब क्षुद्र ग्रह पट्टी किस किस के बीच में है, किन दो ग्रहों के बीच में है, ठीक है। तो ये है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, किस किस के? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी प्राप्त होती है। अब ये कौन सी है? जो बहुत समय पहले नष्ट हो गए और अभी अभी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, जो टूट गए किसी कारणवश टूट गए। अब उसके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर वाले ग्रह, ठीक है, कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बाहरी ग्रह। इनको बोला जाता है बाहरी ग्रह, ठीक है, बाहरी ग्रह। और क्या बोला जाता है? साथ में बोला जाता है जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह क्या बोला जाता है? जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह। अब जोवियन ग्रह क्यों बोला गया? जोवियन ग्रह क्यों बोला गया? क्योंकि इनमें गैस की मात्रा है। क्या है? गैस। इनमें गैस की मात्रा है, इसलिए इनको जोवियन ग्रह बोला जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये ग्राफ पूरा का पूरा बनाना है, इसको अच्छे से कितने तरीके से घुमा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सब कुछ प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सभी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुके हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, सभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए,
अच्छे से समझिए, इसका ग्राफ बनाओ बार बार। जब एक से दो बार ग्राफ बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, अधिक से अधिक शेयर किया करें, ठीक है। हमारा जितना भी आपको प्रीवियस ईयर की वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। इनकेस आप भूल जाते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रावल कॉन्सेप्ट को सर्च करें, वहाँ जाएँ, सभी वीडियोज़ आपको मिलती हैं, साथ में न्यूज़पेपर मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ रावल कॉन्सेप्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। सब कुछ मटेरियल हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। आने वाले समय में सभी एग्ज़ाम की सभी प्लेलिस्ट बना के डाल दी जाएंगी, अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, आपका भी भला होगा, इस दूसरों का भी भला होगा। आप अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।